हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग की पूजा हो रही है मेरी। अभी नहा धोकर मुस्काम आम होकर, क्योंकि यहाँ ससुराल में है तो इतनी जल्दी दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो देखिए, सुबह से नहा धो के सबसे पहले मंदिर की सफाई कर रहे हैं और पूजा होनी है। और यहाँ देखिए, इतना बड़ा सा मंदिर है, 3 अलमारी हैं पूरी भगवान जी से भरी हुई हैं, तो पूजा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर से सफाई कर लेंगे, क्योंकि अगरबत्तियों की वो गिरती रहती है तो पूरे में हो जाता है, इसलिए सबसे पहले सफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर भगवान जी को, लड्डू गोपाल सभी को स्नान कराएंगे और भोग पूजा लगाएंगे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है पूजा करने में। तो देखिए, मैंने थोड़ा स्पीड तेज कर दी है, जल्दी जल्दी से पूजा होगी। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान कर रहे हैं और फिर इनको साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे, रुमाल रखे रहते हैं उससे उनको, फिर उसके बाद कपड़े चेंज कर देते हैं। लड्डू गोपाल के रोज डेली कपड़े चेंज करना चाहिए, सभी लोग करते हैं। और देखिए, पूजा करने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। और देखिए, यहाँ तो ससुराल में है, कितने जल्दी दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और इस टाइम गर्मी भी इतनी पड़ रही है कि दिन भर एकदम सुबह 6 बजे से ऐसे लगने लगता है जैसे 10-11 बज गए हों। तो देखिए, चल रही है मेरी पूजा। तो ये देखिए, पूजा हो गई है, प्रसाद वगैरह पूजा पूरी कर ली है। और देखिए भगवान जी, राधा कृष्ण भगवान, कितनी बड़ी मूर्ति है। और ये ऊपर देखिए, बड़े वाले हाथी लक्ष्मी, जो दीपावली पर धनतेरस पर लिया जाता है पीतल का, तो कोई सा भी, तो मेरे पापा ने ये देखिए पूरा मतलब हाथी और उस पर लक्ष्मी जी और 21 दिए भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए कि मेरी पूजा हो गई है। उसके बाद ये देखिए, सम्राट विराट भी अभी जागने वाले हैं, तो देखिए जाग गए हैं। और सुबह से मंजन अंजन करके, क्योंकि लेट तक सोते रहते हैं, 10-11 बज जाता है। और ये विराट बैठे हुए हैं, तो देखिए सीनरी लिए हैं, वही मैं पता नहीं क्या देख रहे हैं, तो उसी में ये पूरा दिन एकदम बाहर बाहर घूमते हैं। अभी सुबह का टाइम है तो इसलिए अंदर है, नहीं तो ये सीधा बाहर के कमरे में। और देखिए, नहा धोकर तैयार हो गए हैं, तो पूरे में इन्होंने पाउडर, क्योंकि ये इतना गर्मी है यहाँ पर कि इनको पूरे में फुंसी सी हो गई हैं, तो भी नहा करके आए हैं। और सबसे पहले पाउडर ही लगा कर पूरे में नीचे गिरा करके हो गए थे। तो यहाँ देखिए, इनको कपड़े पहना रहे हैं, और सम्राट हैं बाहर चले गए हैं, वो तो पहले रेडी हो गए हैं और इनको रेडी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्या बनाएं, पूरा दिन इतने जल्दी से निकल जाता है कि फिर कुछ भी नहीं शेयर कर पाए हैं। बस 2-3 दिन में ही देखिए एक वीडियो आ रहा है मेरा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, जो भी पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी से आ जाए। तो ये देखिए, सम्राट हो रहे हैं रेडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं को लगता है। अभी हाल रेडी होंगे और सीधा बाहर भाग के जाएंगे। तो क्रीम ये पहले से ही सब कुछ लगा के, जैसे ही नहा के आएंगे अपने से ही सब पाउडर क्रीम तेल वेल लगा के फ्री हो जाते, तो कहते हम नहीं लगाना है, और मैंने तो लगा लिया है। देखिए अब यहाँ उनको कर देंगे जल्दी से रेडी, उसके बाद फिर खाना वाना खिलाएंगे। और फिर और कुछ ज़्यादा वीडियो मतलब बनाने का टाइम नहीं मिलता है, क्या बनाएं, और पूरा दिन ही ऐसे जल्दी जल्दी से निकल जाता है। और तो आप लोग भी कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ बारिश हुई है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कम गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। रोज़ बादल होते हैं, बारिश बिल्कुल नहीं होती, उसकी वजह से इतना गर्मी पड़ रही है कि दिन रात में ना सम्राट को तो पूरे में फुंसी निकल आई है गर्मी की वजह से, क्योंकि इसके बाल जैसे ही रखे रहते हैं पसीना ज़्यादा आता है, तो उसकी वजह से इनको बहुत गर्मी लगती है। देखिए, और लगे हैं कुछ ना कुछ शैतान करने के लिए। अब नहा धोकर फ्री हो गए हैं, लेकिन 5 मिनट बाद आएंगे तो ऐसे लगेंगे कि नहाया ही नहीं है। उसके बाद ये देखिए, दिन में मेरी हो रही है अरहर की दाल होती है, जो उसको मैं देखिए दर रही हूँ। हमारे यहाँ दरना बोलते हैं,
अरहर की दाल को, तो मम्मी कहें कि अब तुम तरना सीखो क्योंकि अब बुढ़ी हो गई हैं ज़्यादा और नहीं इतना काम कर पाती हैं। तो देखिए मैंने फर्स्ट टाइम ही देखिए अरहर की दाल को किस तरह से दोनों हाथों से देखिए इस तरह से डालते जाते हैं और देखिए मेरी अरहर की दाल बनके रेडी होगी। तो ये घर वाली दाल का स्वाद ही अलग होता है, बाजार की तो वो मशीनों से बनती है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए घर से ही मैं बना रही हूँ दाल, इसको छोटी वाली चकिया आती है तो उसी में डाल डाल के देखिए इस तरह से डालते जाते हैं और इसको दो तीन बार ही डरा जाता है। उसके बाद ये देखिए मेरी देवरानी का लड़का है तो ये भी तैयार हो गया है और देखिए अभी ये पहन के आया है तो देखिए रेडी हो के आया तो कह रहा मम्मा मेरा वीडियो बनाओ। तो देखिए किस तरह इसको वीडियो बनाने का बड़ा शौक है, देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है और ये साइकिल चला रहा है। विराट है ना, एक ही साइकिल, बच्चे जब रहते हैं तो एक ही खिलौने के लिए रोते हैं, तो अभी चला रहा है तो पीछे से धक्का मार रहा है उसको। तो देखिए क्योंकि ये देखिए दोनों लोग बच्चे हैं तो बच्चों में ही टाइम पता नहीं चलता, इतने जल्दी से दिन निकल जाता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी शाम हो गई है। देखिए काम आम से 10 11 12 बज जाएंगे काम करने में और ये देखिए साइकिल चल रही है इसकी। देखिए फ्रेंड ये बन रहा है मेरा, दोपहर में ये देखिए लाई रखी है, चूड़ा बोलते हैं इसको। और इसके लिए देखिए मैंने ये हरी धनिया और एक प्याज बड़ी साइज का और आधा खीरा और एक टमाटर और देखिए डेढ़ नींबू लिया है और इसमें ये वाला हरी मिर्च भी ले ली है और सादा नमक, काला नमक हो या चाट मसाला तो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो अब चलिए इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको साफ भी कर लिया है और अब इसमें तो ये देखिए बन रहा है मेरा दोपहर का नाश्ता। तो चूड़ा बना रहे हैं ये भेलपूरी, तो यहाँ ट्रिपोड नहीं लाए हैं तो उसके वजह से बड़ा परेशानी होती है मोबाइल रखने में। तो ये देखिए मैंने सब इसमें डाल दिया है, प्याज टमाटर धनिया और इसमें नमकीन, सेव वाली नमकीन है तो वो भी डाल सकते हैं और या तो भुजिया आती है वो भी डाल सकते हैं। तो कुछ ही जुगाड़ बना करके फ़ोन को मैंने एक जगह रख दिया है और अब इसमें सब कुछ डालेंगे मसाला वसाला। देखिए इस तरह बनाने से बच्चे अच्छे आराम से खा लेते हैं क्योंकि लाई वगैरह ऐसी रखी रहती है तो कहाँ खाते हैं। और देखिए नमकीन है तो ये मिक्स वाली नमकीन है तो यही डाल देंगे इसमें, अगर सेव वाली होती है तो वो भी डाल सकते हैं। ज़्यादा मतलब तीखापन है, मीठी वाली है तो बच्चे खा लेंगे, अगर ज़्यादा तीखा हो जाता है तो फिर सम्राट विराट नहीं खा पाते, इसलिए देखिए मैंने हरी मिर्च अभी डाली नहीं है, अलग से निकाल के रख ली है, थोड़ा उन लोगों को बना करके अलग से निकाल लेंगे उसके बाद इसमें मिर्च डालेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे, चम्मच से डालेंगे ऐसे अंदाजे करके क्योंकि बार बार फ़ोन ना हट रहा था इसलिए सही से बना नहीं पाया है, क्योंकि ट्रिपोड में अच्छे से एक से फिट हो जाता है और इसमें बिल्कुल इधर से उधर हिल रहा था तो सही से बना ही नहीं पा रहे थे। तो इसमें देखिए नमक डाल दिया है मैंने और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरा में, और क्यों नींबू भी डाल दिया है, नींबू से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि कड़क कड़क रहती है ज़्यादा। तो इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे, या किसी बड़ा सा डब्बा होता है जिस तरह वो भेलपूरी बनाते हैं बाजार वाले तो चटनी वगैरह सब कुछ डालते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। तो इसमें मैंने मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया था और कुछ चाट मसाला रहता है तो वो भी डाल देते हैं। तो ये देखिए मेरी
तो ये देखिए मेरी बढ़ियल से भेलपूरी बनके हो गई है रेडी। और देखिए अब यही खाएंगे सब लोग, क्योंकि दोपहर में हल्का फुल्का गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ और कुछ बनाने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब इतना गर्मी लगती है कि किचन में जाने का मन नहीं होता है। और ये देखिए रात में मेरे यहाँ यहीं सामने लॉज है, तो वहीं की देखिए बारात निकल रही है। तो ये सम्राट विराट और बाबू तीनों लोग बच्चे, क्योंकि जैसे ही डीजे बजता है तो जल्दी से बच्चे बाहर भागते हुए जाते हैं। तो देखिए मेरे घर के बाहर से ही निकल रही है, मेन रोड पर ही है ना, तो यहीं सामने दोनों साइड ही लॉज हैं। तो ये इस जो राइट साइड में लॉज है तो उसकी बारात जा रही है। तो देखिए सभी लोग डांस करते जा रहे हैं और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है यहाँ से। जब भी बारात सुबह से विदाई निकलती है तो देखने बैठ जाएंगे, और शाम को देते देखिए 10 बजे है और ये बारात निकल रही है। तो सब लोग बच्चे, क्यों बच्चों को तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लेते हैं। तो देखिए रोज़ डेली ही यहाँ से रोज़ बारात निकलती हैं, विदाई निकलती है, तो सुबह शाम बस जल्दी से बाहर भागते हैं। जैसे ही डीजे सुनाई देता है जल्दी से बाहर भागेंगे। तो ये देखिए सामने इधर ही पास ही में है वो लॉज है, तो देखिए इस साइड से। और ये देखिए दूल्हे जा रहे हैं, दूल्हा राजा और बग्गी। तो देखिए लास्ट में वीडियो मैंने यही बनाया है और वीडियो को कहते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जो भी पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना।